खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर, स्टेशन के सामने, नवगछिया। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबर। भागलपुर में कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई गई धज्जियां, काली पूजा के नाम पर बार बालाओं ने लगाए ठुमके। नवगछिया खड़ीक थाना क्षेत्र के अकीदपुर पंचायत के झाव गांव में काली पूजा के दौरान बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान लोगों को काली पूजा को लेकर सरकार और प्रशासन की सारी गाइडलाइन को धत्ता बताते हुए खुलकर धज्जियां उड़ाते हुए देखा गया। बिहार में कोरोना से तीसरी मौत, 54 साल के शख्स की गई जान। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच बिहार में कोरोना से तीसरी मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मोतिहारी का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव था, उसकी शुक्रवार को पटना में मौत हो गई है। उनकी उम्र करीब 54 साल बताई जा रही है। बिहार में मिले कोरोना के 517 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 22,74,033। बिहार में कोरोना संक्रमितों की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 517 लोग कोरोना के पॉजिटिव हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 22,74,033 हो गई है। बिहार में फिलहाल 6,384 कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरा राज्य जहां पहली बार दो डिप्टी सीएम होंगे। शपथ के लिए राजभवन से आया फोन, बिहार के नए डिप्टी सीएम को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। बिहार में पहली बार दो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार एक ऐसा राज्य होगा जहां दो डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में पहली बार डिप्टी सीएम का पद किसी महिला को सौंपा गया है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए अमित शाह, चार्टर फ्लाइट से आए पटना। बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी यह खबर है कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और जेपी नड्डा पटना पहुंचे। अमित शाह और जेपी नड्डा आज दोपहर चार्टर फ्लाइट से पटना पहुंचे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। गंगा में नहाने के लिए दो दोस्त डूबे, दोनों की मौत। गंगा स्नान करने जा रहे दो दोस्त की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। इस मौत के बाद दोनों के परिवार में कोहराम मच गया है। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के खोरमपुर ढाला के समीप की बताई जा रही है। पटना पुलिस को मिली सफलता, अर्धनिर्मित घर से शराब की बड़ी खेप बरामद। बिहार विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद एक बार फिर पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में पूरी मुस्तैदी से जुट गई। ऐसे में रविवार को मसौढ़ी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है। बीजेपी कोटे से इन सात नेताओं को बनाया जा रहा है मंत्री। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 में जीतने के बाद आज एनडीए की सरकार का गठन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सहयोगी दलों के नेताओं को राज्यपाल फागू चौहान शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल के गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, मंगल पांडे, अमरेंद्र प्रताप, जीवेश मिश्रा, राम सूरत राय और रामप्रीत पासवान को मंत्री बनाया जा रहा है। नीतीश के शपथ लेते ही प्रशांत किशोर ने तोड़ी चुप्पी, बोले बीजेपी के मनोनीत सीएम नीतीश थके हुए हैं। सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार के शपथ लेते ही उनके सहयोगी रह चुके प्रशांत किशोर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए तंज कसा है। लगभग 120 दिन बाद प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार के शपथ लेते ही
उन्हें बधाई दी है। नीतीश कुमार को बीजेपी की तरफ से मनोनीत मुख्यमंत्री बताते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए नीतीश कुमार जी को बधाई। सुशासन की सरकार में मेवालाल की क्या दरकार, जेडीयू एमएलए मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, अब मंत्री बनने की खबर। जेडीयू के विधायक मेवालाल चौधरी को भी मंत्री बनाया जा रहा है। जेडीयू सूत्रों की बात करें तो आज नई सरकार के बतौर मंत्री वे भी शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन जेडीयू के विधायक मेवालाल चौधरी जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और बिहार की निगरानी जांच ब्यूरो में केस दर्ज किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि जेडीयू के विधायक 2010 से 15 के बीच में सबौर कृषि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर थे। इस पर जूनियर वैज्ञानिक की बहाली में धांधली और भवन निर्माण में घपला का आरोप बताया जा रहा है। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371177 7325052437।